खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां नक्सलगढ़ नाम से प्रसिद्ध सुकमा उड़ीसा बॉर्डर स्थित ग्राम कुमाको लिंक में सीआरपीएफ 227 बटालियन ई कंपनी द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुमाको लिंक क्षेत्र के लगभग 300 ग्रामीण जनों को उनके खेती किसानी के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं बांटी गईं। इसके साथ ही स्कूली छात्रों को पढ़ाई के लिए बैग, खेल सामग्री आदि का वितरण किया गया। आयोजित सिविक एक्शन कार्यक्रम में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें 150 से 200 से अधिक ग्रामीणों को उनकी बीमारी के संबंध में स्वास्थ्य लाभ और दवाएं वितरित की गईं। इसी क्रम में सीआरपीएफ 227 बटालियन कमांडेंट मनीष कुमार भारती, कमान अधिकारी स्टेंजिंग शाक्या समेत बटालियन के जवानों की उपस्थिति में कार्यक्रम का सफल आयोजन संपन्न हुआ। रायपुर से संवाददाता प्रत्युष दीक्षित की रिपोर्ट। यहाँ के गांव वासियों में काफी उत्साह है इस कैंप के प्रति, और वो काफी खुश हैं, यहाँ पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर हम लोग गाँव वासियों को सिलाई मशीन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर लालटेन, यूटेंसिल्स, डिगिंग टूल्स, मेडिसिन, आवश्यक मेडिसिन, कम्बल, 3 सीट्स जो कि मकान रिपेयर में काम आ सकता है, और इसके अलावा और भी कई सामग्री हम लोग खास करके पठन स्कूली बच्चों को पठन एवं सामग्री